सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे आप अपने मॉक्स के जो अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, आपका ईगो, उसके अलावा की स्पीड, और उसके अलावा आपका सराउंडिंग, आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन पावर है, और उसके साथ साथ में काम आता है टू अटेम्प्ट, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम अपने अटेम्प्ट को एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहाँ तक कि 5 से 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैंने 1 साल पहले तैयारी शुरू किया था करना, और मैंने 1 साल जो सबसे बड़ी गलती की, जो मुझे लगता है मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, वो थी कि मैंने कभी मॉक नहीं दिए। मैंने मॉक हमेशा मेरे अंदर फियर रहता था। मैंने खरीदा था टेस्ट बुक का मॉक और मैंने उसे दिया नहीं। मैंने 1 मॉक दिया, 2 मॉक दिया, उसमें थोड़े नंबर कम आए तो फिर मैंने देना छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। मैंने 1 साल करीब, अगर अप्रॉक्सीमेट गिनती लगाई जाए तो मैंने 4 से 5 मॉक लगाए होंगे, और पूरे 1 साल में 4 से 5 मॉक लगाना बहुत बुरी बात होती है। फिर क्योंकि फियर ऑफ फेलियर था कि अगर कम आए तो, नंबर कम आए तो डिमोटिवेट हो जाऊँगा, शायद बैंक की तैयारी छोड़ दूँ, तो फिर मैंने इसलिए कोई मॉक लगाना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर मैंने सच में, मेरा बहुत ज़्यादा जब नंबर कम आए तो मुझे अचानक से ये फील हुआ कि प्रैक्टिस तो थी मेरी, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सिर्फ मॉक्स ही सिखा सकते हैं। जो फेलियर है, जो आपके मार्क्स कम आते हैं, वो आपको मॉक्स ही सिखा सकते हैं, उससे उठना आपको आना चाहिए। तो फिर जब ये मैंने नया साल में एंटर हुआ 2022 में, मैंने सोच लिया था दिमाग में, जब मेरा ESIC का पेपर हुआ था, मैं उसमें बहुत कम मार्क्स से रह गया था प्री क्लियर करने में, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो जब ये RRB क्लर्क का पेपर आया तो उससे पहले मैंने करीब 50 मॉक्स लगाए, दिन के 4 मॉक लगा लेता था। फिर बहुत ऐसा लगा कि कभी कभी ज़्यादा ही मॉक लगा लिए, तो फिर थोड़े थोड़े कम कर दिए, कभी 1, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, तो फिर 2 से 3 मॉक चले। तो दिन में क्लर्क प्री के, RRB क्लर्क प्री के 2-3 मॉक लगाए, और फिर POK भी लगाए, POK दिन का 1 मॉक लगाता था। आज अब क्योंकि PO का पेपर कुछ ही दिनों बाद है, 5-6 दिन बाद है, तो अब आज उसका हम 2 मॉक लगाने वाले हैं। एक मैं लाइव मॉक लगाऊंगा, जो कि मैं लाइव आपके सामने, मतलब आपके साथ बैठ के मॉक लगाऊंगा, वो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सो दूसरा पॉइंट है ईगो। ईगो इज़ मतलब अगर आप कहें तो ईगो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को कम या ज़्यादा करने में। अगर आप ईगो पे क्वेश्चंस को ना लेकर आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास आया, आपको पता है वो आपसे हो जाएगा, आपने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा और जो आपको आता भी है, लेकिन अगर आपने कुछ मिस कर दिया, जैसे मान लीजिए एक पज़ल लिया, पज़ल को आपने लिया, उसमें आप बना रहे हैं, आपने एक लाइन मिस कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ अभी RRB क्लर्क के जो अभी पेपर हुआ था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था मेरा, उसमें मेरा से एक लाइन मिस हो गई और उस वजह से मेरा अटैम्प्ट थोड़े कम हो गए। तो अभी रिजल्ट आना उसका बाकी है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने उस क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लिया था जब मैं अपना पेपर दे रहा था RRB क्लर्क में। मेरे से एक बार अटैम्प्ट नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ गया, और जब मेरे पास टाइम बचा मैं उस क्वेश्चन पे वापस आया, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं मिसिंग कर रहा था, वो एक लाइन को मैंने मिस कर दिया था। अब लोग क्या करते हैं कि जब उनसे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा होता तो वो उस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि हो सकता है कि उन्हें आगे और ईजी क्वेश्चन मिले। तो क्या होता है कि लोग जब एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो उनकी स्पीड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनके फ्लो पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्पीड पे ना सही तो फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो आगे जाके डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और पीछे का जो कि खराब हुआ है, जो 1-2 क्वेश्चन पीछे के बिगड़ गए, उसको लेके आगे कभी पेपर खराब कर देते हैं, तो ईगो की चीज़ें ना लें। सो तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंकिंग में एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्पीड है। अब स्पीड जो है मेरी भी उतनी है जितनी एवरेज बच्चों की होती है, मेरी कोई स्पीड हाई नहीं है। हम टीचर्स जितनी स्पीड नहीं ला सकते, थोड़ी बढ़ा सकते हैं, थोड़े से ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ट्रिक्स भी उतने ही जितने मतलब याद किए जा सकते हैं, हर जगह ट्रिक्स नहीं लगाई जाती। मतलब समझना पड़ेगा कि स्पीड और हड़बड़ी में फ़र्क क्या है। कुछ लोग होते हैं जो कि इतना अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होते हैं कि वो क्वेश्चन देख के भी बना सकते हैं, तो वो होता है कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना, वो होता है प्रैक्टिस करना, जिससे वो स्पीड आ जाती है। और एक होती है हड़बड़ी कि आप पेन बहुत जल्दी चला रहे हो। अब पेन जल्दी चलाने से स्पीड नहीं आती है, पेन जल्दी चलाना मतलब स्पीड नहीं होता, उसे हड़बड़ी कहते हैं। उस क्वेश्चन को दिमाग में कर लेना, या फिर उस क्वेश्चन को 4 लाइन की जगह 2 लाइन में कर लेना, उसे स्पीड कहते हैं। तो स्पीड जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पीड नहीं आ रही, तो वो स्पीड नहीं है, वो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना, वो मिनिमाइज़ कर देना सॉल्यूशन को,
उस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा दिमाग में चला लेना कि हाँ यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, इसका शॉर्ट मेथड ये नहीं ये है, तो कुछ शॉर्ट मेथड लेकर कुछ ट्रिक्स लेकर इस तरह से स्पीड बढ़ाई जाती है जिससे मॉक्स टेस्ट में नंबर बढ़ सकते हैं और बहुत सारे नंबर बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़े एक ही नंबर बढ़ेगा, कई बार 2.25 बढ़ जाएगा, कई बार दो नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन वो एक नंबर दो नंबर भी अगर आपके बढ़ रहे हैं तो वो बहुत मेजर रोल इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले कर रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले मैंने एक मॉक दिया था जिसमें मेरे 12 परसेंटाइल आए थे और ये 12 परसेंटाइल मेरे आज तक नहीं आए। ऑब्वियसली हमेशा 50 से तो ऊपर ही रहते हैं, 50 70 80 90 तक जाते हैं। अब वो 12 परसेंटाइल क्यों आए, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, मेरी तबीयत खराब थी, तो ये होता है फोकस और सराउंडिंग के बारे में। अब 12 परसेंटाइल आता मुझे सब कुछ था उसमें से, मैंने जब बाद में एनालिसिस भी किया तो मैंने कर सकता था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था उस दिन, और मैंने बीच में एग्जाम छोड़ भी दिया था। मैंने पॉज वॉज नहीं किया, बस मैंने छोड़ दिया, मैं उठ गया क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। तो आप घर में ऐसा करें कि कॉर्नर में जाएं, एक अच्छी तरह से एक अपना स्टडी कॉर्नर बनाएं, जैसे मैंने एक रूम बना रखा है, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने देता, तो ऐसा बनाएं। और उसके अलावा साथ में मतलब बिल्कुल खाली दिमाग से मॉक दें। अभी ना के आया हूँ मैं, अभी मॉक देने बैठूंगा, और मॉक देने के बाद अगर अच्छा आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और उसको इम्प्रूव करेंगे। तो कभी भी जब भी बैठें तो अच्छी तरह से मन खाली करके बैठें, कोई दिमाग में लोड नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो मैं पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, ये है वे ऑफ अटेम्प्ट। इस पर पूरी वीडियो बन सकती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं अपना बताता हूँ जो मैं प्रेफर करता हूँ। वैसे मैं दो प्रेफर करता हूँ कि आपको जो ईजी ईजी लगता है वो पहले कर लीजिए, और फिर जो थोड़े से हार्ड हैं उनको थोड़ा थोड़ा लेवल वाइज कीजिए। ये एक तरीका है, ये मैंने आरआरबी क्लर्क में किया, मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुई इससे, और मेरे 90 परसेंटाइल तक आते थे। मैंने कई बार 90 परसेंटाइल 70-80 मैंने कई बार किया। अगर पीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर उस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, उस पूरे पेपर को देखा जाए, 45 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट 80 क्वेश्चन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन जो होते हैं उन 80 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप सिर्फ 15 मिनट में बना सकते हैं, जिसमें आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और उसके अलावा नंबर सीरीज आ जाती है, जो कि अगर मिसिंग हो तो बहुत इजी होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ लोगों के लिए हार्ड होती है, मेरे लिए भी हार्ड है। उसके अलावा बाकी हो गया अपना मिसलेनियस, रीजनिंग में मिसलेनियस जो होते हैं कुछ ईजी होते हैं, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज हो गया। तो ये टोटल मिला के अगर आप ओवरऑल देखा है तो फिर ये 15 मिनट में 30 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। कीजिए कि 30 क्वेश्चन आपने बनाए, 30 क्वेश्चन बनाने के बाद अब पजल्स मैं छोड़ देता हूँ, हमेशा पजल्स मैं सबसे लास्ट में करने की सोचता हूँ, पजल्स और डीआई सबसे लास्ट में, और सबसे और उसके भी बाद में पजल डीआई के बाद में अर्थमेटिक और रॉन्ग नंबर, क्योंकि अर्थमेटिक फिर भी मैं पहले कर लूँगा, लेकिन रॉन्ग नंबर मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि रॉन्ग नंबर मुझे बहुत कमज़ोर है मेरा। और तो फिर सबसे पहले क्या करना है कि पजल करनी है आपको, डीआई करनी है, फिर उसके बाद डीआई में भी आप तीन डीआई आती हैं, कैसलेट को छोड़ के आप बाकी दो उठा लीजिए, और उन बाकी दो में से भी जो इजी है वो पहले उठाइए, फिर थोड़ी हार्ड वाली, और लास्ट में कैसलेट। और पजल्स में जो आपको आती है सर्टेन वाली थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है, कभी कभी मार्किंग में लिखने में हिंट्स को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। तो फिर अगर आप इस हिसाब से अपने आप को, जैसे कि आपने मान लीजिए फ्लैट फ्लोर में अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फ्लैट फ्लोर वाला पजल सबसे पहले उठाना, फिर उसके बाद अगर आपने स्टैक वाले जो ले रखे हैं कि आपका बॉटम मोस्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये 8 लोग बैठे हुए हैं और इस तरह से किया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को फिर उठाइए। तो आप इस तरह से अपना दिमाग बैठा लीजिए कि आपने प्रैक्टिस इस हिसाब से की है, उस हिसाब से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके 4 टॉपिक अच्छे हैं, 5 तरह के पजल आई है, तो उन चारों कीजिए, एक को छोड़ दीजिए, फिर डीआई पे जाइए। तो इस तरह से लेवल वाइज क्वेश्चन कीजिए। तो आज की जब मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ लाइव मॉक, उसमें मैं पहले वो 30 क्वेश्चन करूँगा जो सबसे ईजी होते हैं, उसके बाद मैं करूँगा डीआई या पजल जो सबसे ईजी है, फिर उसके बाद थोड़े से हार्ड डीआई पजल, फिर अर्थमेटिक, और फिर रॉन्ग नंबर, अगर रॉन्ग नंबर आते तो वो, नहीं तो अगर मिसिंग आते हैं तो मिसिंग को पहले कर लूँगा। तो इस तरह से मैं अपना मॉक देता हूँ, और बाकी आपको लाइव मॉक में पता चल ही जाएगा। मैं थोड़ी देर में लाइव मॉक रिकॉर्ड करने वाला होता है, मैंने अपना सामान सारा रख लिया है, पेन और पेजेस है अपने पास, तो हम शुरू करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।